गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम पाठ एक की वर्कबुक एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्न एक, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। प्रश्न एक, सूरज की किरणें आती हैं तो क्या खिल जाती है? क्या खिल जाती हैं? कलियां। चिड़िया का स्वर कैसा है? कैसा होता है चिड़िया का स्वर? मीठा। प्रश्न तीन, सुबह होने पर प्राणी क्या खो देते हैं? आलस। ठीक है, अब पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। सूरज, सूरज का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य। हवा, हवा का वायु। सुबह, सुबह का प्रातः। चिड़िया, चिड़िया का पर्यायवाची खग। जग, जग का पर्यायवाची संसार। सुंदर, सुंदर का पर्यायवाची खूबसूरत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। मीठा कड़वा, नई पुरानी, खिलना मुरझाना, अंधकार प्रकाश, खोना पाना, ठंडा गरम। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। ह आधा है क्योंकि इसमें हलंत है, प्लस अ प्लस आधा व प्लस आ, क्या बनेगा? हवा। आधा क प्लस अ प्लस आधा ह प्लस आ प्लस आधा न प्लस ई, क्या बनेगा? कहानी। ज आधा प्लस ओ प्लस श आधा प्लस अ, क्या बनेगा? जोश। अ प्लस ल आधा प्लस अ प्लस स आधा प्लस आ, क्या बनेगा? अलसा। आप लोग वर्णों के नीचे ये जो लगा देख रहे ना चिन्ह, ये होते हैं हलंत। किसी भी वर्ण के नीचे जब ये हलंत लगा रहता है तो इसका मतलब क्या रहता है? वो वर्ण आधा है, है ना? और उसमें अ लगाने से क्या होगा? वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया?